नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में काफ़ी हद तक चर्चा की है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की है और साथ ही साथ इसके फीचर्स के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल करी है विथ एग्जाम्पल्स। दोस्तों, अभी हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में देखने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कितने प्रकार के हैं और इनके बारे में छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आती है राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी जो है दोस्तों, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कंटिन्यू करती है। तो 14 में क्या है, 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दोनों का अलग अलग मतलब है, इसीलिए दोनों को इकट्ठा एक ही आर्टिकल में रखा गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इनका डेफिनेशन क्या है विस्तार से समझेंगे जब हम लोग आर्टिकल 14 को डील करेंगे डिटेल्स में। फिलहाल हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को, क्लासिफिकेशन को, उसकी जो छह कैटेगरीज हैं इसको एक एट अ ग्लांस एट अ नटशेल इन अ नटशेल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 16 कहता है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल 16। इसके अलावा 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, देयर हैज टू बी एन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और रादर प्रोहिबिशन ऑफ सच प्रैक्टिसेस। यह आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी तरीके का टाइटल हम नहीं यूज कर सकते हैं, सो देयर हैज टू बी एन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे एक समय पर राजा, महाराजा, अधिराज, ये सारे टाइटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, अब वो सारे टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है स्वाधीन भारत में, जब से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। लेकिन कुछ कुछ टाइटल्स हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एकेडमिक हो या जो कि मिलिट्री टाइटल्स हो, जैसे जैसे परमवीर चक्र, जैसे मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं एकेडमिक्स में, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब अभी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो ये 14 टू 18 में इक्वालिटी के बारे में विस्तार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब हम लोग बात करेंगे, मैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 में, अनटचेबिलिटी 17 में है और साथ ही साथ एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है एक्सेप्ट मिलिट्री अकेडमी की 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज जो आती है वो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 तक आती है। 19 के अंदर ही केवल 19 के अंदर ही 6 अलग अलग अधिकार हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पहला है। दूसरा, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन। चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवा है फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी प्लेस इन इंडिया। एंड छठा है फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन अपने लाइवलीहुड के लिए चुन सकते हैं। अब ये जहां तक रेसिडेंस की बात है, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस होंगी जरूर, जैसे हम लोग जो हैं किसी भी शेड्यूल्ड एरिया में नहीं रह सकते, शेड्यूल्ड एरियाज में हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते हैं। ये वो बेसिकली एरियाज है जो कि बेसिकली ट्राइबल एरियाज है, तो इनका कल्चर को मेंटेन करने के लिए कोई सिविलियन वहां पे जाकर के रह नहीं सकता, लेकिन आमतौर पे हम कहीं पे भी जाकर के रह सकते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी तरीके का कन्विक्शन या ऑफेंसेस के बेसिस पे जो कन्विक्शन हुई हैं, तो कन्विक्ट के पास भी कुछ अधिकार हैं, सो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, और ये बहुत ही ब्रॉड है। राइट टू लाइफ के अंदर सब कुछ आ जाता है और ये पर्सनल लिबर्टी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। बेस्ड ऑन दिस अभी हाल फिलहाल में प्राइवेसी जो है इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A में इंट्रोड्यूस की गई है। अब 21 कैपिटल ए है, इसका मतलब यह है कि इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू से इंट्रोड्यूस किया गया है, अमेंडमेंट के थ्रू से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, पहले नहीं था, ओरिजिनल में ये नहीं था। अब जो आखिरी है आर्टिकल 22, वो कहता है कि जब भी हम किसी इंसान को अरेस्ट करते हैं क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है, या हम किसी इंसान को डिटेन करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको कहते हैं, कोई गलत काम कर सकता है, कोई एक ऐसा अपराधी है जो पास्ट में अपराधी था और हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें वो अपराध कर सकता है, हिस्ट्री शीटर जिसको कहते हैं, ऐसे केसेस में हम डिटेन कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा। तो डिटेन्ड पर्सन या अरेस्टेड पर्सन, इनके पास भी कुछ राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 22 में मेंशन किए गए हैं। तो ये हमारे कुछ अलग अलग राइट्स हैं आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, सबको क्लब किया जाता है एज राइट टू फ्रीडम के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट एरियाज को हैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, किसी भी बंदे को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी बंदे को हम जबरदस्ती उसको नहीं कह सकते हैं कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो, ये सारी चीज़ें वो 20 में दी गई। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में है, एलिमेंट्री एजुकेशन 21 कैपिटल ए में है, और अरेस्ट किया हुआ आदमी या डिटेन किया हुआ आदमी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी उनके पास कुछ अधिकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 कहता है, यानी कि ऐसे अधिकार जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए, किससे बचने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। तो इसके अंदर दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये किन एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है ये जानना जरूरी है। 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है और फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर के बारे में यहां बात हो रही है। तो आर्टिकल 24 डील्स विद चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी कारण से हो सकता है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन आ जाते हैं, इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी कई लोगों को यूज किया जाता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्लेवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इलीगल अंडर आर्टिकल 23। एट द सेम टाइम फोर्स्ड लेबर, जैसे एक पुराना केस है बंधु मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे फोर्स्ड लेबर का मतलब यह है कि बॉन्डेड लेबर्स, कहने का मतलब है कि काइंड ऑफ अ बॉन्डेड लेबर, तो बॉन्डेड लेबर्स जो है वो हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है अंडर आर्टिकल 23। ऐसे केसेस में हम लोग प्रतिवाद कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर 23 और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन 24, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा सेक्युलर एक प्रोविजन है जिसमें हम लोग इंडियन सेक्युलरिज्म जो इसमें साफ साफ बताई जाती है। सबसे पहली चीज आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे पास भारत के जनता के पास ये अधिकार है, सिटीजन्स के पास ये अधिकार है, यहाँ पे कहीं पे भी हालांकि सिटीजन मेंशन नहीं है, यानी कि ये सबके लिए अलाउड है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो, सबके पास ये अधिकार है कि वो अपना एक कॉन्शियंस, जो भी उस चीज में उनका बिलीफ है, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फैला भी सकते हैं, प्रोपागेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोपोगेशन का तरीका या प्रोफेशन का तरीका या प्रैक्टिस का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले अदर रिलीजन के लोगों को नुकसान पहुंचे। सो दैट इज द ओनली कैवियट। दूसरी चीज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो ये जो पहला वाला है ये इंडिविजुअल लेवल पे है, इंडिविजुअल लेवल पे है, और दूसरा वाला जो है ये ग्रुप के लेवल पे है, ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स का मतलब ये, जैसे मान लीजिए मंदिर का मैनेजमेंट, मस्जिद का मैनेजमेंट, ठीक है, ये इन सब चीज़ों के बारे में, रिलीजियस डिनोमिनेशन जिसको कहते हैं, ये आर्टिकल 26 में। इसके अलावा 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, टैक्सेस देने के लिए हम बाध्य नहीं है किसी भी तरीके का टैक्सेस जो है टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा सरकार भी नहीं कर सकती और सरकार किसी को बाध्य भी नहीं कर सकती, लेकिन ये टैक्सेस इज नॉट इक्वल टू जो हम लोग चंदा देते हैं, चंदा के साथ नहीं, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, चंदा, हम लोग पूजा के सामने जब पूजा होती है तो यहाँ पे चंदा मांगने नहीं आते हैं, तो चंदा इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अब कोई मुस्लिम है वो बचपन से जो है वो इस्लाम को पढ़ रहा है, अगर कोई हिंदू है तो बचपन से हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ रहा है, तो वैसे ही इंस्टीट्यूशंस में जाकर वो पढ़ भी सकता है, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, लेकिन जो सरकारी स्कूल नहीं है, अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन का रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल है वहाँ पे हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 में है। रही बात आर्टिकल 29 और 30 की, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देता है, किसकी कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की, क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज़ ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 29, ठीक है। इनफैक्ट इसी के साथ हम लोग आर्टिकल 19 को क्लब कर सकते हैं, 19 के अंदर जो रेसिडेंस वाला चीज़ था कि अगर कोई भी दूसरा कम्युनिटी का आदमी इनके साथ माइनॉरिटीज़ के साथ रुकने लगे फिर इनकी तादाद बढ़ जाए तो इनका कल्चर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हेट्रोजेनस हो जाएगा, उनकी स्क्रिप्ट या उनकी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो सकती है, इसीलिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 जो वो आपस में पटरी नहीं खाते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए ये अधिकार है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, उनका एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में उनके पास ये अधिकार है, ये स्पेशल राइट्स है। आखिरी आर्टिकल 32, क्योंकि 31 जो है हम सबको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी वो रिपील कर दिया गया है, 32 के अंदर यह है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट जब भी हमें कोई फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाना है तो, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ रिट्स हैं जैसे हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरश्योररी और क्वो वारंटो, ये सब का सब आर्टिकल 32 में है। इन सब रिट्स के बारे में और रिट पर से होता क्या है, यह हम लोग जब रिट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी बहुत अच्छे से बातचीत हम लोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा पोर्शन है समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से हाईलाइट किया देता हूँ, कॉन्शियस प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, आपको टैक्सेस पे नहीं करना है, आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में, आप लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाना जरूरी है अंडर आर्टिकल 29 फॉर माइनॉरिटीज़, किस किस्म के माइनॉरिटीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज़, ठीक है, उनको बचाना है। माइनॉरिटीज़ जो है उनके पास अधिकार है कि वो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और 32 कहता है कि एनफोर्समेंट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं थ्रू रिट्स, और इसमें 5 तरीके के रिट्स हैं, हीबियस कॉर्पस एक है, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी और को वारंट।
तो आई होप आप लोगों को ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट को भली बातें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 को ढंग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से बहुत जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मदद मिल सके। धन्यवाद।